जागदियां जमीर वालों सच कहने पैंदे आ, हक कोई नहीं दिंदा, हक लेने पैंदे आ। हाँ जी, आप जिहड़ी गल कर रहे हैं अज पी एस टिकट की गल कर रहे हैं, सो तुहानूं सारयां नूं इस गल बारे नॉलेज हैगी आ वी की कुछ पेपर दे विच वापरिया। मैं उहनूं बहुत बरीकी च नहीं लिख के जांदा, अपना मुद्दा फ्यूचर पॉलिसी का अगे जाके करना की आ, अगला स्टैप की हो सकता है। देखो पहली गल तो यह आ, पी एस टिकट दे विच जिहड़ी सरकार की चलण की नीति है उहदे विच बहुत वड्डे फर्क नज़र आए ने। ठीक है, सरकार जिहड़े मुद्दे नूं लैके आई है करप्शन दे नूं ट्रांसपेरेंसी नूं उसे दे मुद्दे तो भटक रही है। सो तुहानूं पता ही आर्टिकल 21 आ जिहड़ा राइट टू इनफॉर्मेशन दिंदा, ट्रांसपेरेंसी दिंदा, एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम की हुंदा है ट्रांसपेरेंसी। सो इहदे विच इन्हां ने तीन गलतियां जिहड़ियां कीतियां ने, पहला तां इन्हां ने पेपर ही नहीं दित्ता बच्चों नूं। क्यों भाई, क्यों नहीं पेपर दिता, की प्रॉब्लम प्रॉब्लम की सीगी? अच्छा, एक पेपर तुसीं सत सत अठ अठ क्वेश्चन गलत पा दिंदे हो, मुड़ के बच्चे उहदे नतीजे भुगतते फिरदे आ। मास्टर किडर चाहीं कीता सी, सो हुण उस इस करके नहीं दिता कि बच्चों नूं कोई गलत क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करनगे, सो इस करके पेपर नहीं दिता। सो दूसरी वड्डी गल, अद्धे नूं देता अद्धे नूं नहीं दिता, यह किहड़ा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। दूजी जिहड़ी वड्डी गलती कीती है, किसी नूं पेपर जिहड़ा पहला दिता भाग उहदा ए ए कोड है, दूजे का बी कोड है। सो एक एक बच्चे नूं दो दो कोड दे रहे हो, किहड़ा फिल करूगा, कन्फ्यूजन च पा रहे हो। ठीक है, तीजी जिहड़ी गलती की है, एस एस टी के जिहड़े डार्क होए ने, सो उहदा बहुत हाईलाइट चीज़ां होईयां ने, हरेक बच्चे नूं पता लग गया। सो जिहड़े डार्क किए हुए ने भी आंसर है, जिहड़े इंटैलीजेंट बच्चे सीगे उन्हां नूं तां इस चीज़ का पता लग गया। ठीक है, क्यों डार्क किए गए ने, की कारण है, क्यों बार बार इहो जिहियां गलतियां होंदियां ने, नायब तहसीलदार होया कैंसल, सब इंस्पैक्टर होया कैंसल। ठीक है, सो आए वार ही ये चीज़ां वापरदियां रहिंदियां ने, कित्थे कमी रहिंदी है, सरकार इन्हां चीज़ां नूं सख्ती नाल क्यों नहीं लैंदी। सो ये तो चीज़ां सीगियां जिहड़ियां वापरियां, हुण अगला फ्यूचर प्लैन की है। सो फ्यूचर प्लैन आ जिहड़ा साडे कोल, उह तुहानूं मैं दस दिंदा जी। सो साडी सरकार कोलों सीधी डिमांड है, सीधी मंग है, क्योंकि यह मजाक नहीं हैगा, जिंदगी दा मसला बनया पिया है रोज़गार। ठीक है, तुसीं बाहर जाण तों रोक रहे हो, बाहर जाना ही है बच्चे नूं जदों पता इत्थे इंसाफ ही नहीं हैगा। ठीक है, सो मेरे कोल एक पेपर दे बाहर एक व्यक्ति मिलिया मैनूं, वो अपनी लड़की नूं लैके आया सीगा। सो अपनी लड़की नूं लैके आया सी, वो पेपर दवा रहे सी, वो सुबह दे आए हुए सीगे, वो बेचारे ने सवेरे एक अद्धी रोटी खाधी, चाह भी नहीं पीती। सो जिहड़ी लड़की सीगी वह गरीब तबके दे नाल संबंधित सीगे, सो वह व्यक्ति ने अपनी दिहाड़ी छड्डी हुई सीगी, 500-400 रुपया इत्थे ला के आया सी। सो डिवोर्स ही लड़की सीगी, सो जिंदगी दा मसला तो यह बनया पिया भी लोग 35-35 साल तक, 37-37 साल की उम्र तक पहुँचे हुए ने, डिग्रियां इकट्ठियां कर लिया, बी एड दियां कर लिया, एम ए डबल एम ए कर छड्डी ने, सोनू कोई फर्क नहीं पैंदा, अगले की एलिजिबिलिटी खत्म हो जा रही है। सो होर परसन जिन्हें बी एड कर ली है, डबल एम ए करी बैठा, वो होर राह ही कोई नहीं गा, सो की कर सकता। सो तुहाडियां जिहड़ियां इह हरकतां ने बच्चों डीमोरलाइज तो कर दियां करदियां ने। इस तों अलावा जिहड़े साडे वर्गे ने कोई चैनल वाले हुंदे ने, वो इस चीज़ को सीरीयस ही नहीं लैंदे, वो गाने बनाई जांदे ने, गाने बजाई जांदे ने। ठीक है, ये कोई मजाक वाली गल थोड़े ना हैगा, ये मसला किसी की जिंदगी का। सो चिड़िया का मरना गवारां का हासा। ठीक है, ये गल नहीं चलती, सरकार तो सिद्धम सीधे होकर मंग करनी पैनी आ, अपना अधिकार है। असी जिहड़ी मंग करदे आ, जिहड़े बच्चे सहमत होण कमेंट करन, जिन्हां नूं चंगा लगदा कमेंट करन। इहदे विच पहली जिहड़ी असी चीज़ कहने आ कि पेपर कैंसल होना चाहिए जी, पेपर कैंसल होना चाहिए। पहली डिमांड आ जिहड़ी, ये है कि पेपर आ जिहड़ा वह कैंसल होना चाहिए जी, पेपर कैंसल होना चाहिए। सो पेपर एक डिमांड पहली है, पेपर कैंसल होना चाहिए। दूजी डिमांड है कि पेपर 15 दिनों के सरकार नूं लेना चाहिए। ठीक है, सो 15 दिनों के किसी भी हालत च पेपर नूं कंडक्ट करवाउण। ठीक है, तो तीजी डिमांड यह है कि जिहड़े रिस्पोंसीबल ने, सो चाहे वह बोर्ड है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, जिहड़े भी रिस्पोंसीबल ने, सो आई एस अफसर ने, सो आई एस अफसर ए नहीं बन जाता हुंदा साल भर पेपर देने पैंदे आ, असीं भी दित्ते आ, प्री कढ़ना पैंदा, मेन कढ़ना पैंदा, इंटरव्यू फेस करनी पैंदी है। तो सूँ यही पता कि बच्चा किन्नी मुशक्कत दे नाल पेपर नूं दिंदा, तुहाडा दिल तुसीं तुहाडी निगाह कह दित्ते। सो मैं सीएम नूं दोषी नहीं ठहराउंदा, सीएम तो होर बहुत सारे काम हुंदे ने, पर जिहड़े बंदे डायरैक्ट इहदे उपर वॉच करदे ने, जिहड़े एडमिनिस्ट्रेशन पेपर लै रही आ, उह रिस्पोंसीबल है। जां तां उह अस्तीफा देवे, जां बच्चे तों माफ़ी मंगे, क्योंकि उन्हां नाल इमोशनली अत्याचार किया जा रहा, बच्चे नूं टॉर्च किया जा रहा, सो किन्नी परेशानी च। चौथी जिहड़ी साडी मंग है, हर बच्चे ने जिहड़े ने पीटेट दा पेपर भरिया होया, 2000 रुपया सरकार नूं मुआवजा देवे, हर बच्चे 2000 रुपये का मुआवजा देना चाहिए। सो जिहड़े कारण उन्हूं टॉर्च किया गया, उहदा फार्म दे पैसे आ वापस करने चाहिए आ। अगला टाइम आ जिहड़ा इस नूं
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਲਕੇ ਵੀ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ, ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਗੌਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿੱਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੀਟੀਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਵਾਪਰੂਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਣੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਮੂਹਰੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।